नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम अष्टावक्र गीता के बारे में जानेंगे और महर्षि अष्टावक्र के जीवन के बारे में जानेंगे। किस तरह से उन्होंने राजा जनक को आत्मबोध कराया। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म जगत का शिरोमणि ग्रंथ है। आत्मज्ञान प्राप्ति की हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में बहुत सारी विधियां हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, प्रार्थना, ध्यान, और सब लोग अपनी रुचि के अनुसार उनको अपनाते हैं। लेकिन अष्टावक्र अज्ञान पर सीधी चोट करते हैं। वे किसी विधि, क्रिया, पूजा, प्रार्थना किसी को जरूरी नहीं मानते। उनका कहना है क्रिया अहंकार को बढ़ाती है, ये सब अडंबर दिखावा मात्र हैं। इससे मनुष्य धार्मिक तो दिखाई देता है लेकिन आत्मा को कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। अंधकार क्या है? अंधकार है प्रकाश का अभाव। हम अंधकार पर चोट करते रहें कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक दीपक जला दें अंधकार अपने आप मिट जाता है। ये साधनाएं क्रियाएं अंधकार को हटाने मात्र की कोशिश हैं। केवल ज्ञान का प्रकाश लाना ही काफी है। आत्मा कोई नहीं है, हम सिर्फ उसको भूल गए हैं। उसे समृद्धि में वापस लाना ही काफी है। रस्सी में सांप का जो भ्रम होता है, जिससे हम डरे हुए हैं, काम क्रोध से जल रहे हैं, शोषण अत्याचार करते हैं, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उसे छोड़ने का एक ही उपाय है वैराग्य, और ये ज्ञान से ही आता है। यही अष्टावक्र जी का उपदेश है। शरीर स्थूल है किंतु उसके भीतर जो सूक्ष्म तत्व है वह दिखाई नहीं देता। जब हम किसी व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं, शरीर तो वहीं पड़ा है, कान भी वही है, आंख भी वही है, नाक भी वही है, मुंह भी वही है, लेकिन क्या वो बोल सकता है? क्या वो सूंघ सकता है? क्या वो सुन सकता है? क्या वो देख सकता है? नहीं, वो सूक्ष्म तत्व चला जाता है तो वो मृतक देह बन जाता है। हमारे शरीर में आसक्ति होने से हम विषय भोगों की ओर आकर्षित होते हैं। वासना में फंसा हुआ व्यक्ति संसार के प्रपंच में फंसा रहता है, किंतु महान संत उन्हें वापस याद दिलाकर विषय बंधनों से मुक्त करके मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ऐसे ही महान संत थे महर्षि अष्टावक्र। उनके जीवन की तीन कथाएं आज मैं आपको सुनाती हूँ। अल्पायु में ही वे बहुत ज्ञानी थे। कहते हैं मैं शरीर में 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। उनकी माता का नाम सुजाता था, जो ऋषि उदालक की बेटी थी, और पिता का हौड़ उदालक ऋषि के शिष्य थे। एक दिन पिता का हौड़ वेद पाठ कर रहे थे तो अष्टावक्र ने गर्भ से ही उन्हें टोक दिया, रुको, ये तो सिर्फ शब्द हैं, ये बकवास है। शास्त्र तो सिर्फ शब्दों का संग्रह है, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। ये सुनते ही जैसे पिता का अहंकार तिलमिला उठा। उन्होंने श्राप दे दिया, जब तू पैदा होगा 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसा हुआ भी, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। यह घटना बताती है कि उनका ज्ञान पंडितों जैसा ज्ञान नहीं था, समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा लेकर पैदा हुए थे। उनके जीवन के बारे में घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब वे 12 वर्ष के थे, राजा जनक ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ का आयोजन कर रखा था। इस आयोजन में ये घोषणा थी कि जो भी जीतेगा उसे सींगों पर सोना जड़ी 100 गाय दी जाएंगी। उनके पिता ने भी भाग लिया। वे सभी पंडितों से जीत गए लेकिन एक पंडित से हार गए। अष्टावक्र जो टेढ़े मेढ़े शरीर के थे, सभा में पहुंचे तो सब सभासद उन पर हंसने लगे। कुछ देर बाद अष्टावक्र भी हंस पड़े तो राजा जनक ने पूछा कि ये विद्वान तो आप पर हंसे, समझ में आता है,
लेकिन आप इन पर क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि मैं चमारों की सभा में आया हूँ, जहाँ चमड़ी को देखकर सत्य का निर्णय होता है। आत्मविश्वास से बोले, ये केवल मेरे शरीर को देखकर हंसे, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, मंदिर के गोल या लंबा होने से आकाश लंबा या गोल नहीं होता, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ज्ञानवान आत्मा को देखता है और चर्मकार चमार केवल चमड़ी देखता है। जनक उनसे इतने प्रभावित हुए कि अगले दिन अष्टावक्र सिंहासन पर बिठाकर खुद उनके चरणों में बैठे। 12 साल का वो बालक अष्टावक्र जनक जी की सब शंकाओं का समाधान करता है। इसे ही जनक अष्टावक्र संवाद या अष्टावक्र गीता कहते हैं। उनके बारे में एक घटना और प्रचलित है। राजा जनक ने एक शास्त्र में पढ़ा था कि आत्मज्ञान बहुत सरल है। घोड़े के एक पागड़े में पैर रखें, दूसरे पागड़े में रखने में जितना समय लगता है, उतने समय में ही आत्मज्ञान संभव है। सब पंडितों ने ये शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान रहा होगा, इसका उत्तर नहीं दे पाए। राजा ने उन सबको जेल में डाल दिया। जब अष्टावक्र को पता चला तो वहां पर वो आए और उन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, जनक ये संभव है, मैं प्रमाणित करता हूं, पहले इन सबको जेल से मुक्त करो और घोड़ा लेकर मेरे साथ चलो। सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया गया। अष्टावक्र राजा को दूर स्थान पर एकांत में लेकर चले गए। राजा जनक ने अपना पांव घोड़े के एक पागड़े में रख दिया। अब अष्टावक्र ने पूछा कि आप बताओ, आपने शास्त्रों में क्या पढ़ा? जनक ने दोहराया कि एक पागड़े में पैर रखो, दूसरे तक रखो, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। फिर कहा कि अगला वाक्य क्या है, वो तो बताओ। जनक ने कहा, इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। इस पर अष्टावक्र बोले, क्या ये शर्त तुमने पूरी कर ली है? जब तुमने ये शर्त पूरी नहीं की, आत्मज्ञान कैसे संभव होगा? पात्रता के लिए क्या चाहिए? अहंकार से मुक्ति, बाहरी चीजों से अपने आप को मुक्त कर लेना। इसके बाद आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है, एक क्षण भी नहीं लगता, सिर्फ दृष्टि बदलने की जरूरत है। राजा जनक ने उसी समय समर्पण कर दिया। अब अष्टावक्र ने अपना संपूर्ण ज्ञान उन्हें दे दिया। पात्र खाली होते ही भर गया। भरो होई सो रीतई, रीतो होए भराए। सबसे पहले हमें खाली होना पड़ता है, तभी उस बर्तन में कुछ डाला जा सकता है। यही बात है कि गड्ढा भी बारिश आने पे भर जाता है और शिखर सूखा रह जाता है। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। घोड़े के दूसरे पागड़े पर पैर रखते ही जनक को सुध नहीं रही। 3 दिन बीत गए, मंत्री ढूंढते ढूंढते आए, जनक का पैर दूसरे पागड़े पर था। दोनों जनक और अष्टावक्र शांत थे, मौन थे। एक मंत्री ने कहा, राज्य में अव्यवस्था हो रही है, आप वापस चलें। जनक ने कहा, अब कौन चले? ना मन मेरा है, ना शरीर मेरा है, ये तो गुरु को समर्पित हो चुका है। अष्टावक्र समझ गए, जनक को आत्मबोध हो चुका है। अष्टावक्र ने उन्हें राजधानी में जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। ये घटना बताती है कि आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं, घटना है, क्रिया बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बहुत क्रियाएं की, पर कुछ नहीं मिला। अंत में निरंजना नदी के किनारे लेट गए, शून्य की स्थिति में पहुंचे। क्षण भर में बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। शंकराचार्य कहते हैं, ये केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता से ही होता है। जब हम उस ब्रह्म से मिल जाते हैं, उस समय हमें बोध हो जाता है। योग का मतलब भी यही है। योग माने प्लस जमा, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, यही योग है। कहते हैं, राई की ओट में पर्वत छिपा है, किंतु उस राई की ओट को सद्गुरु ही हटा सकता है।
पर्दा हमारी आत्मा पर नहीं आंख पर पड़ा है। आत्मा तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष है, सामने है। देखने की क्षमता मात्र आनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाले को गुरु मार्ग दिखाता है, किंतु उपलब्धि तो अपनी पात्रता से आती है। शिष्य की पात्रता के लिए आवश्यक है उसकी मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, समर्पण भाव, नम्रता। जिस दिन वो ये अर्जित कर लेता है और गुरु मिल जाता है, तभी हमारा योग उस परमात्मा से हो जाता है। जनक अष्टावक्र संवाद, अष्टावक्र गीता के 20 प्रकरण हैं। हम एक एक करके इनकी व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्णा।